तो बेटा इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट जो है आयु पैक हम करने जा रहे हैं, और ये वाला तो बेटा आपका एग्जाम में भी आया है। राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एसजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा ये वाली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बेटा आयु पैक नोमेनक्लेचर पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, किस तरह से हम आयु पैक के कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, और मैं साथ के साथ जो है आयु पैक बनाते बनाते आपको रूल भी बताता रहूंगा, ठीक है। अगर मैं रूल की अलग वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम आयु पैक करेंगे डायरेक्टली, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, रूल्स भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बेटा। परंतु मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बच्चों, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो हमारे पास सीसी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं उनको हम, तो जनरली हम इनको किस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, CONH3 का होल ट्वाइस या फिर H2O। लेट सपोज हमारे पास इस तरह से कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो बाहर हमारे पास एक सीएल और गिवन दे रखा है, क्लियर हो गई। तो यहां पर ये जो होगा बेटा, ये होता है हमारे पास क्या बेटा, मेटल एटम, या फिर बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी बोलेंगे। और ये NH3 और जो H2O है वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, लिगेंड्स होंगे। यस और नो, क्लियर हो रही है बात। और ये जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या बेटा, काउंटर आयन। क्या होगा बच्चों, काउंटर आयन, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये चीजें आपको पता चल गई, लेकिन एक चीज और डिस्कस करेंगे, आप लोगों से पूछ ली जा सकती है एमसीक्यू में, कि भाई अगर मान लो इस तरह से हमारे पास कुछ चीज लिखी हुई है, जैसे लेट सपोज NH3 का होल ट्वाइस, और कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 2+ या 3+, अब वैलेंसी पर ना जाए, ठीक है, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई एक्चुअल में ये क्या है, तो जब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में कोई आयन प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। और जो इससे अलग रह गया है वो रह जाता है हमारे पास क्या बेटा, काउंटर आयन। चलिए बेटा, एक हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका हमें आयुपैक नेम बताना है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्या लिखा है, PtCl(NO2)NH3 का होल 4 और SO4, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करता रहूंगा, जो भी मैं आपको आयु पैक लिखवाऊंगा उसके साथ साथ में क्या रूल लग रहा है, क्या चीजें हैं, क्या हम यहाँ पर सफिक्स में यूज करेंगे, वो चीजें यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए बेटा NH3 है, ठीक है, तो NH3 को हम यूज करते हैं बेटा अमाइन। क्या लिखेंगे बेटा, अमाइन, ठीक है बेटा। NH3 आ रहा है, NO2, अगर यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है तो NO2 को लिखते हैं हम नाइट्रीटो एन, क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारा क्या है, एक तरह से काउंटर आयन है, तो ये बाहर है, तो SO4 जो होगा वो हमारा यूज किया जाएगा सल्फेट ओनली, ठीक है बेटा, सिर्फ सल्फेट ही यूज करेंगे। अच्छा, CL NO2 NH3 हमारे क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमारे बेटा, लिगेंड्स की तरह, ठीक है। तो लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स अगर क्लोरीन है तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्लोरीन अगर लिखा हुआ होगा तो ई हटा के हमें क्या लिखना है बेटा, क्लोरीडो, ठीक है। तो ये सीएल के लिए जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, क्लोरीडो, ठीक है। ये चीज आपको इस वाले आयु पैक में ध्यान देनी है, ठीक है। तो चलिए देखें कैसा करते हैं। एक चीज और, जब भी आप लिगेंड्स लिख रहे होंगे तो लिगेंड्स लिखते लिखते आपको जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी ध्यान देना है, कैसे। देखिए NO2 जो है वो क्या यूज कर रहे हैं हम, नाइट्रीटो एन यूज कर रहे हैं, और NH3 को अमाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो NH3 को आप पहले कंसिडर करोगे। तो कैसे लिखोगे बेटा, ये कितने हैं हमारे पास, चार हैं, तो चार के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टेट्रा। एक चीज और, सारे लोअर केस में लिखे जाएंगे, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी लोअर केस, मतलब छोटे वर्ड्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर में। तो टेट्रा, और क्या है बेटा ये, अमाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब देखिए दूसरा लिगेंड क्या है, NO2 है, तो NO2 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रीटो एन, लेकिन एन है। अच्छा है, एक लिगेंड और है हमारे पास, देखिए ये वाला लिगेंड है और ये वाला लिगेंड है, तो क्लोरीडो, तो सी पहले आता है, तो इसके लिए यूज करेंगे बेटा क्लोरीडो, क्लियर हुई अली बात, ठीक है। देखिए अमाइन हो गया आपके पास, अब रह गया NO2, सीएल भी हो गया, तो NO2 के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, नाइट्रीटो एन, ठीक है बेटा। जब आप
लिगेंड्स लिख दोगे तो उसके बाद आपको मेटल एटम लिखना है विद ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखना है। जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये प्लैटिनम है, तो क्या लिख लेंगे हम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, सॉरी 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 सॉरी, प्लैटिनम, और यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4 होगी, जो कि हम रोमन में लिखेंगे। जो हमारे पास काउंटर आयन है, ये क्या है, हमारे पास काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। और ये क्या होता है हमारे पास, होता है बेटा सल्फेट, क्या होता है सल्फेट, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट बार चलिए बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट है कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनके बारे में आयुपैक देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास दे रखा है CO, Cl2, NO2 और NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे लेट सपोज यहां पर आपके पास लिगेंड्स कौन कौन से हैं, Cl है, Cl है, NO2 है और NH3 है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था NH3 के लिए हम अमाइन यूज करेंगे बेटा, ठीक है, और NO2 के लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे बेटा नाइट्रीटो एन, ठीक है, और Cl के लिए अभी डिस्कस किया था हमने क्लोरीटो, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। तो किस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, A आ रहा है, और A क्या है NH3, ठीक है, मतलब अमाइन जो है वो NH3 के लिए यूज किया गया, लेकिन यहां पर कितने हैं, 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे ट्राई अमाइन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो डाई क्लोरीडो, और NO2 क्या है हमारे पास नाइट्रीटो N, तो नाइट्रीटो N, और ये क्या है कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट, और यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कोई काउंटर आयन नहीं दे रखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे क्या क्या हमारे पास जो है लिगेंड्स हैं। तो हमारे पास लिगेंड्स कौन कौन से होंगे, एक तो है Cl जिसको हम बोलेंगे बेटा अंदर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है तो क्लोरीडो होगा, और H2O को जो हम यूज करते हैं बेटा वो यूज करते हैं एक्वा, क्या यूज करेंगे बेटा एक्वा। लेकिन यहां पर आपके पास काउंटर आयन गिवन दे रखा है जो कि NO3 है, तो NO3 के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा नाइट्रेट, क्या बोलेंगे बेटा नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर आयन है। चलिए इसकी नेमिंग करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगी, चलो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो 4 है हमारे पास और एक्वा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा एक्वा, ठीक है, ए के बाद क्या आएगा सी आएगा, तो क्लोरीन है तो क्लोरीडो, और क्लोरीडो कितने हमारे पास 2 हैं, तो यहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे डाई क्लोरीडो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो दोनों हमने लिगेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हमें मेटल एटम लिखना पड़ेगा, वो क्या है क्रोमियम, तो क्रोमियम यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 3 होगी, उसके बाद आप लिखोगे यहां पर नाइट्रेट। याद रखने वाली बात क्या है बेटा कि जो आपके पास काउंटर आयन होगा वो आप मेटल एटम के बाद लिखोगे, ठीक है, और मेटल एटम जो है वो बाद में लिखोगे किसके लिगेंड्स के। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए बेटा, अब हमारे पास कुछ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही है। अगर आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एनायनिक स्पीशीज दे रखा है तब किस तरह से करेंगे, तो एक चीज क्लियर कर लीजिए बेटा कि अगर आपके पास जो है एनायनिक स्पीशीज दे रखी होंगी तो आपके पास जो मेटल एटम होगा उसके बाद क्या लगाओगे आप, मेटल एटम के बाद लगाओगे 8। समझते हैं कैसे, कि जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा यहाँ पर क्या है CN है आपके पास जिसे हम यूज करेंगे साइनो, ठीक है, और NO जो है NO के लिए क्या यूज करोगे बेटा आप, यहां पर NO के लिए आप यूज करोगे नाइट्रोसाइल, क्या यूज करोगे बेटा नाइट्रोसाइल, ठीक है। अच्छा CN और NO जो है वो हमारे लिगेंड्स हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो बेटा कि जो CN है उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर याद करने पड़ेंगे, इसमें हम इसका -1 लेते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से हमारे पास जो Fe होगा उसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले केस में कुछ और होगी, और FeE की इस वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर कुछ
और होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स पर। तो लिगेंड्स के हिसाब से आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी नेमिंग की बात करूं, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, सी एन आ रहा है। तो देखो एनओ को तो आप यूज करोगे नाइट्रोसाइल, ठीक है, और सी एन को या आप यूज करोगे क्या, साइनो। तो पांच है तो पेंटा साइनो, ठीक है, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर के थ्री भी लिखा हुआ है, तो के थ्री के लिए आप यहां पर यूज करोगे बेटा क्या, पोटेशियम। और ये आएगा सबसे पहले, जो पोटेशियम आप यूज करोगे वो सबसे पहले लिया जाएगा। याद रखना, अगर कोई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल लिखा हुआ है तो आप जब नेमिंग करोगे तो उसको सबसे पहले कंसीडर करोगे, उसके बाद लिगेंड्स कंसीडर करोगे। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये क्या है, एनायनिक स्पीसीज है फेरेट, ठीक है, तो आयरन फेरस होता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा फेरेट, ठीक है, और इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आएगी टू, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से रोमन में इसकी टू लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसाइल फेरेट सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहां पर देखिए बेटा C2O4 होता है हमारे पास ऑक्सैलेटो, ठीक है, तो ऑक्सैलेटो की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी बेटा -2, उस हिसाब से आपके यहां पर फेरस की कुछ और निकल के आएगी। तो यहां पर K3 दे रखा है, तो K3 क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ही लिगेंड है जिसमें हमारे पास तीन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई ऑक्सैलेटो, ठीक है, और यहां पर क्या यूज करेंगे हम, फेरेट, और फेरेट हमारे यहां पर कितना होगा, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां पर फेरेट होगा 3, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो फेरेट। चलिए बेटा अगले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, आयनिक स्पीसीज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दो तीन एग्जांपल और ले लेते हैं आयनिक स्पीसीज से रिलेटेड। तो आयनिक स्पीसीज में आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल एटम थे तो उसमें हम 8 लगा रहे थे, ठीक है। चलिए दो एग्जांपल और है हमारे पास, पहले क्या है, K4, ध्यान से देखना बेटा K4, ठीक है, तो पोटेशियम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पोटेशियम CN, अभी मैंने आपको बताया था CN के लिए हम क्या यूज करते थे, साइनो, लेकिन ये चार है तो यहां पर हो जाएगा टेट्रा साइनो, ठीक है, निकलेट, निकलेट क्या यूज करेंगे बेटा, निकलेट। और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा किसका, निकल का, वो आता है बेटा 0, तो आपको यहां पर, यहां स्टार इसलिए बना रहा हूं, तो यहां पर थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, तो यहां पर निकलेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ गई। नाउ अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे सोडियम वाला क्वेश्चन है, तो Na3CO, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बेटा, Na3CONO2 का होल 6, ठीक है बेटा, तो यहां पर देखोगे आप तो क्या होगा यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट से अगर कोई मेटल पहले लिखा होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे जो एटम का नाम होगा तो सोडियम है, सोडियम यूज करेंगे, उसके बाद क्या है, लिगेंड्स यूज करेंगे, तो लिगेंड्स क्या है, यहां पर हमारे पास NO2 है, तो क्या होता है, नाइट्रेटो N, लेकिन 6 है तो हेक्सा नाइट्रेटो N, और कोबाल्ट, कोबाल्ट की यहां पर आप चेक करोगे, कोबाल्ट की आप अगर चेक करोगे तो 3 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका जो आंसर होगा। अच्छा एक चीज और, हम एक चीज गलती कर गए क्या, कि ये हमारे पास क्या थी बेटा, आयनिक स्पीसीज थी, तो यहां पर कोबाल्टेट आएगा, क्या आएगा बेटा, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, तो इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट जो है IUPAC हम करने जा रहे हैं, और ये वाला तो बेटा आपका एग्जाम में भी आया है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको जो है इस वीडियो का 8th, 9th और 10th IUPAC कराने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहां पर आपके पास क्या क्या दे रखा है, PT, BR, CL और C5H5N और NS3, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं C5H5N हमारे पास होता है बेटा PY या फिर पायरेडीन, ठीक है बेटा। BR के लिए हम यूज करेंगे बेटा ब्रोमीडो, क्या यूज करेंगे, ब्रोमीडो, और CL के लिए अभी बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं, मतलब इस वीडियो की शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं, क्लोरीडो, ठीक है। NS3 भी करते हुए आ रहे हैं, क्या होता है बेटा, अमाइन होता है, क्या होगा, अमाइन होगा। चलिए बेटा इसका नामकरण करते हैं,
क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले क्या है, अमाइन ही आएगा, तो अमाइन तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा अमाइन, ठीक है। अच्छा पहले बी आता है फिर सी आता है, तो ब्रोमीडो, फिर आ जाएगा क्लोरीडो, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, पायरेडीन, नीचे लिख देता हूं ताकि वो उधर आ जाए, पायरेडीन और प्लेटिनम। यहां पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सेकंड निकल के आएगा, तो इस आयुपैक का नाम क्या होगा बेटा, ये होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास ना ये स्टार मैंने इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो NH2 और CH3 है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई क्या नाम है जो है, क्या मिथाइल अमाइन जो है इसका नाम क्या होता है बेटा, NH2CH3 का नाम होता है हमारे पास मिथाइल अमाइन, ठीक है। तीन चार ऑप्शन दे रखे थे, आपसे पूछा गया था कि भाई कौन सा इसमें से लिगेंड है और कौन सा नहीं है, तो उसमें से ये भी दे रखा था, तो कुछ बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो नई चिड़िया है ना, तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो ये होता है हमारा लिगेंड। चलिए देखिए यहां पर देखो NH3 है तो सिंपल है अमाइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डाई अमाइन, ठीक है। फिर क्लोरीन आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा क्लोरीडो, और ये क्या है हमारे पास मिथाइल अमाइन, और लास्ट में देखो पहले क्या है प्लेटिनम, पहले प्लेटिनम लिख लेते हैं, प्लेटिनम सेकंड, क्या होगा बेटा प्लेटिनम सेकंड, लेकिन बाहर हमारे पास काउंटर आयन है, तो ये क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्लोरीडो नहीं होगा क्लोराइड होगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डायमाइन क्लोरीडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है आपके पास, C5H5N, मैंने अभी आपको बताया था पायरेडीन अमाइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अमाइन, और इसका क्या होता है पायरेडीन, लेकिन उससे पहले हमें क्लोरीन लिखना पड़ेगा, तो डाई क्लोरो क्योंकि सी पहले आता है, क्लोरीडो क्लोरीडो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पायरेडीन और प्लेटिनम प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। कुछ बच्चा तो नहीं, अमाइन हो गया, ठीक है, क्लोरीडो हो गया, हो गया पायरेडीन हो गया, हो गया और प्लेटिनम हो गया। चलिए अब इधर देखो बेटा सारे बच्चे, ये कुछ इंपॉर्टेंट आयुपैक थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें रह गई हैं मैं जानता हूं, ठीक है, बहुत सारे आयुपैक हैं जो बहुत हैं, ठीक है, नई नई तरह के हैं, तो वो रह गए हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, आप अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई रूल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। यहां तक आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।